थोड़ी सी पहले तो थोड़ी सी माफी, हम थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन सबसे लास्ट का प्रोग्राम मैंने यहाँ इसीलिए रखवाया था कि फिर जितना मर्जी फुर्सत से मैं यहाँ रह सकूँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ बहुत दिल लगे। तो अब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिगादरी विधानसभा के गांव इब्राहिमपुर में, और यहाँ थोड़ी ही देर में चौधरी अकरम खान का जो लड़का आने वाला है, और यहाँ पूरे ग्रामीण आज इकट्ठे हुए हैं। आइए चलेंगे, बातचीत करेंगे आज को लेकर। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बढ़िया जी। नाम जी? ताहिर हसन। ताहिर हसन इब्राहिमपुर से? जी यहीं से। अच्छा, जो चौधरी अकरम खान का लड़का पहुँचने वाला है यहाँ थोड़ी बहुत देर में, तो आज किस किस विषयों पर उसके साथ बातचीत करेंगे, और क्या लगता है हरियाणा में सरकार बनाए पाएंगे नहीं? हाँ जी, तो 100% उम्मीद है कि अब के हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएगी। और यहाँ पर चौधरी अकरम खान के लड़के चौधरी आरेज खान पहुँच रहे, वो जो 31 तारीख की जो रैली छछरौलिया अनाज मंडी में, वहाँ मैडम शैलजा जी आई रिया, उनके विचार सुनने के लिए, उसकी इतला देने के लिए हमारे बीच में रहे आज। और चौधरी अकरम खान जी बहुत अच्छे नेता है, वैसे तो लगभग उनका टिकट तो फाइनल ही है, पर लेकिन 31 तारीख न और ज़्यादा जोश हो जाएगा फाइनल होने की। अच्छा, जब टिकट किसी और को मिला, मान ले जैसे अदरसपाल है, तो मान लिया पार्टी के साथ हैं या चौधरी अकरम के साथ है? नहीं जी, टिकट तो 100% चौधरी अकरम खान की है जी। हाँ, और हम उसी के साथ हैं, शुरू तक अकरम खान के साथ ही और उसी के साथ रहा हूँ। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, और भी खड़े उनसे बातचीत करेंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी, बढ़िया। क्या नाम जी? मोहम्मद हसन। कहाँ से जी? ब्रह्मपुर से। अच्छा, क्या लगता है आपकी बार चौधरी अकरम एक तरफा होगा भी लगना क्या इसका हरियाणा में सरकार बनाए पाएगी? हाँ हाँ, कांग्रेस पूरे बहुमत सरकार बनाएगी जी। तो टिकट का क्या लग रहा है जी? टिकट का तो दबाने वाले हम, लेने वाले में थोड़ी टिकट, टिकट नहीं इसका कटता चौधरी साहब का। अगर टिकट कटागा भी, हम तो चौधरी साहब के फैन हाँ, जिन्हों देगी दे देगी, सीट निकलेगी तो अकरम खान सीट काट देगा यहाँ से। तो जैसे अदरसपाल उसमें था पहले जी, वो आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस ज्वाइन करी जिसने, तो आया तो नहीं टिकट? पिछली बार सुभाष ने भी यही कहा था भी टिकट मेरा आया, कुछ नहीं है किसी का, चार दिन बाद फाइनल हो ही जाएगा। तो आज जो यहाँ चौधरी अकरम खान के लड़के आने वाले जी कुछ देर में, तो आज पूरा ग्रामीण इकट्ठा है, तो आज किस विषय पे आज बातचीत करेंगे उसके साथ? बस आज तो न्योता देना है 31 तारीख का, आगे भी शायद लगेगा उसमें, पूरी पूरी उस पर कोशिश से जाएंगे, कामयाब करेंगे इनकी रैली को, मीटिंग को, छछरौली नाज मंडी में। वालेकुम। क्या नाम जी? नाजरा जी। कहाँ से जी? रेडे माजरा। अच्छा, रेडे माजरा। तो क्या लग सा है आपकी बार हरियाणा में? लगने लगाने का नहीं हमने पता, ये तो बना के दाकरम भी। अच्छा जी, हमने नहीं पता ऊपर लग इसका, बस इसी के साथ हम। ठीक है, हमारे चाचा जी फोन से बात करें। चाचा सलाम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक जी। हां अल्लाह का शुक्र। तो आज ने हम चौधरी अकरम खान के लड़के पहुंचने वाले हैं। हां जी हां जी। आज किस विषय पर बातचीत करेंगे? ये करेंगे 31 तारीख को शैलजा जी आ रही है अनाज मंडी छछरौली में जी, तो उसके बारे में न्योता देने के लिए आ रहे हैं, और सबको न्योता दे रहे हैं। हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी पूरे बहुमत के साथ। तो बीजेपी से क्या बात? बीजेपी नहीं से? बीजेपी से बात नहीं, अब 10 साल राज हो लिया बीजेपी का, सारी पार्टी थोड़ी बीजेपी रह जाएगी, तो कुछ बदलो चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए ना जी जी। तो सारी बार बीजेपी का क्या, उन्हीं के नाम तो नहीं लगाए जी, बदलनी चाहिए सरकार। वालेकुम सलाम, शुक्र खुदा का, ठीक है जी। ताया जी आज किंगा बैठे आज किंगा नो यार जी आपका? आज हम चौधरी अकरम खान का लड़का होगा यहाँ, और उसके इंतजार में बैठे हैं, तो इसीलिए ने आदमी बैठे रहे यहाँ इतने जी। तो हम उसका इस्तकबाल करना, और हमारा चौधरी है वो खानदानी आदमी है, दुर्ते इलेक्शन में खड़ा है, और उसकी वोट देनी, उसकी सपोर्ट भी देनी। तो पिछले दो प्लानों में जैसे उसने हार गया दो प्लानों में, तो क्या कमी रही जी दो प्लान जो पीछा रहा जी? चलो जी, कमियां तो हर एक आदमी में हो, ऐसा तो कोई होता नहीं है जिसमें कमी नहीं है, पर लेकिन वो बात नहीं, वहाँ भी ये लोगों का माहौल है। मारे चौधरी की आज तक वोट नहीं कटी, वोट तो बद रही है, पर चलो लग जा कोई हेरा फेरी हो जा या कुछ भी हो जा, तो इसमें जिसकी सरकार हो उसका दबाव हुआ, तो इस तरह जो वहाँ भी इस तरह आ रहा हमारा चौधरी नहीं, चौधरी हमारा नहीं हारने काबिल है, और नहीं ऐसा आदमी है भी किसी पर रिश्वत खोरी या कोई मतलब बात कराएगा, कैसे नहीं करता है, जैसे काम करवाए चौधरी ने ठीक करवाए हैं,
कोई ऐसी बात नहीं, रागा भी निशा होगा भी और करवावागा भी है। तो भाई हम तो इसलिए पार्टियां तो सारी हो और सभी ने वोट मांगने का अधिकार हो, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा जिंदा भी तेरी वोट नहीं मैं जिंदा या इक्कर नहीं जिंदा, लेकिन वोट तो आदमी के मन से जागी, सबका अधिकार है वोट। हाँ, सबका अधिकार है वोट मांगने के वास्ते, तो चाहे वो कोई बीजेपी का, चाहे वो कोई झाड़ू वाली पार्टी का, चाहे वो कोई हत्थी वाली पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी का, ठीक है जी। तो वोट तो अपने हिसाब से जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह पूरा वोट जब जाएगी तो चौधरी की एक तरफ ही जाएगी। अच्छा, बहुत बंदे कहा जी कि बीजेपी जो सरकार है मुसलमान ना क्या मसीही नहीं आ जी, और फिर भी मुसलमान बहुत ज़्यादा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जी। बस ऐसा आया दुनिया, एक माँ का चार पूत जाम जा जी, उन माँ एक खराब भी हो जा जी, और उन मल्ला मियाँ ऐसा भी अच्छा पैदा कर दे जो मान ले सारे टब्बर में चला ले, वो तो यह बात है जी। ठीक है, तो बहुत सारी दुनिया तो रब से भी कुछ ही नहीं होती, तो इंसान से तो क्या होगा कि तो नहीं तो अपने अपने मिजाज हो इसमें कोई बात। थोड़ी सी पहले तो थोड़ी सी माफी, हम थोड़ा लेट हो गया आने में, लेकिन सबसे लास्ट का प्रोग्राम मैंने यहाँ इसीलिए रखवाया था कि फिर जितना मर्जी फुर्सत से मैं यहाँ रह सकूँ, क्योंकि मेरा भी यहाँ बहुत दिल लगे। तो अब आगे कोई प्रोग्राम नहीं है, तो किसी को जो भी बात करनी हो, कहीं ले जाना हो, तो आप मुझे बता दियो, मैं यहीं हूँ थोड़ी देर। और आपका गांव जो है बूथ नंबर 20 का एक है, वोटिंग में भी ये नंबर वन है, और इंशाल्लाह जो ये रैली है 31 तारीख की, इसमें भीड़ करने में भी नंबर वन रहेगा। तो 31 तारीख को छछरौली अनाज मंडी में 4 बजे का टाइम है, हमारी नेता है जो मैडम कुमारी शैलजा, वो आएंगी वहाँ। तो आप सभी से दरख्वास्त है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पहुंचे, और इन्होंने इतनी अपनी बात में इन्होंने बताई दिया आपको कि क्या क्या काम हमारे टाइम में हुए और क्या क्या यहाँ दिक्कतें थी पहले और अब भी कुछ दिक्कतें हैं। तो इतनी अच्छी तरह इन्होंने याद कर रखे, इतने तो मुझे भी कभी बताए नहीं, बातें तो होती रहेंगी। आप हमारे परिवार जैसे हो, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो वो आप मुझे बता सकते हैं अपनी। और 31 तारीख को भी अगर आपको रैली में आने के लिए किसी साधन की जरूरत है, बस की या फिर पिकअप की गाड़ी की, आप किसी को भी बता दियो या जिन पे मेरा फोन नंबर है मुझे फोन कर दियो, वो सारी हम जरूरतें जितनी भी होंगी वो पूरी करेंगे, और सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से आना। हाँ, जो भी साधन चाहिए होंगे हमें बता दियो आप फोन करके, या जिस पे नंबर नहीं है मेरा नंबर ले लियो, ठीक है। और आपका यहाँ आपने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल किया, स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब नेता ने हमारे सामने चंद ही बातें रखी हैं और बड़ी कीमतें रखी हैं कि हमारा गांव बूथ नंबर भी एक है और वोटिंग, और हम इस बात का भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो 31 तारीख को जो प्रोग्राम है, हम यहां से हर घर से 400 घर हमारे गांव में है, हर घर से 2 आदमी